भूल हुए जो ये सजा हमको मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया, मैं हूं कृतिका आपके साथ। दर्शकों, जहां 2019 के लोकसभा चुनाव को महज 3 से 4 महीने शेष हैं, वहीं चुनाव की जमीनी तैयारी से जुड़े प्रशासन द्वारा चुने बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ प्रशासन में ही कैसे और किस तरह उपेक्षित हो रहे हैं बीएलओ, आइए आपको दिखाते हैं न्यूज 29 इंडिया की एक खास रिपोर्ट में। हम सबका भूल हुए जो ये सजा हमको मिले। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन आयोग के बीच सबसे ज्यादा मरण बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ का हो रहा है। उनके पास ना तो बैठने की व्यवस्था है और ना ही इनकी कहीं सुनवाई हो रही है। स्थिति यह है कि काम से थके हारे बीएलओ को प्रशासनिक संकुल में जहां जगह मिलती है वो वहीं बैठ जाते हैं। काम के बोझ के तले बीएलओ की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि प्रशासनिक संकुल में इधर उधर फर्श पर बैठे बीएलओ पर किसी की नजर नहीं पड़ रही है। प्रशासनिक अधिकारी इन्हें देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की प्रशासनिक अधिकारियों ने ऐसी दुर्दशा कर दी है कि उनका दर्द भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। जब इस संबंध में निर्वाचन अधिकारी एडीएम कैलाश वानखेड़े से बात की तो उन्होंने देखते हैं कहकर इस बात को ही टाल दिया। पूरे इंदौर के मतदाताओं का सूची में नए नाम जोड़ने और हटाने की जिम्मेदारी को लेकर बीएलओ किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं ये बताना बहुत मुश्किल है। डरे सहमे बीएलओ सस्पेंड होने के डर से अपनी पीड़ा भी किसी को नहीं बता पा रहे हैं। दुविधा ये है कि निर्वाचन अधिकारी उनकी सुविधाओं की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं और उनके बैठने की व्यवस्था भी सुनिश्चित नहीं की जा रही है। हैरत करने वाली बात तो ये भी है कि कलेक्ट्रेट के बेसमेंट में खड़ी गाड़ियां कबाड़ हो रही हैं, लेकिन बीएलओ के बैठने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जिला प्रशासन चाहे तो गाड़ियों को कुछ समय के लिए हटवाकर बीएलओ के बैठने की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन जिम्मेदार आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। प्रशासनिक संकुल में ही बीएलओ के लिए दरिया बिछा दी गई है। कोई रेलिंग पर बैठकर अपना काम कर रहा है तो कोई जमीन पर बैठकर फॉर्म जमा रहा है। 50 वर्ष पूरे कर चुकी महिला बीएलओ कलेक्ट्रेट के कैंपस में बने गार्डन में बैठकर अपना काम पूरा कर रही है। प्रशासन द्वारा बीएलओ के बैठने की व्यवस्था नहीं कर पूरे प्रशासनिक संकुल की व्यवस्था बिगाड़ दी गई है। बड़ा सवाल ये है कि निर्वाचन अधिकारियों और चुनाव आयोग के निर्देश पर घर घर जाकर मतदाता सूची अपडेट करने वाले बीएलओ की स्थिति ऐसी कब तक रहेगी। इस मामले में जब एडीएम कैलाश वानखेड़े से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने अलग अलग कॉलेज में बीएलओ के बैठने की व्यवस्था की थी। उनका कहना है कि इन निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया गया, इसके बारे में दिखवाते हुए उन्होंने देखते हैं कहकर बात को ही टाल दिया। हम लोगों ने ये व्यवस्था करी थी कि सभी एसडीओ अलग अलग कॉलेज में अलग स्थानों पर इनको बैठाकर काम करवाएंगे। हाँ हाँ। अभी इस निर्देश के बाद क्यों नहीं हुआ उसके लिए हम देखवाते हैं। सर आपका ऑफिस है सर, उसके सामने भी बैठ के सब पेपर वेपर लेके वही जो आपकी रेलिंग बनी हुई है कलेक्टर हाँ। मतलब जहाँ पर अपने कलेक्टर साहब बैठते हैं उनके सामने वो रेलिंग भी बैठ के सर काम कर रहे हैं। ओहो, चलो मैं देखवाता हूँ इसको। पूरे इंदौर के मतदाताओं की सूची में नाम जोड़ने और हटाने का काम विधानसभा वार बीएलओ को दिया गया है। बीएलओ हर बूथ के हिसाब से उनके बूथ में आने वाले मतदाताओं का नाम जोड़ते और हटाते हैं। जो नए मतदाता हैं उनको जोड़ने और जो मतदाता दुनिया से अलविदा कह गए या कहीं और रहने चले गए उनके नामों को भी हटाने जोड़ने का काम बीएलओ का होता है। इसके अलावा जिन मतदाताओं के नाम में कोई त्रुटि हो तो उसे ठीक करने का काम भी बीएलओ का होता है। इसी कारण बीएलओ को तय समय सीमा में काम करने का बहुत प्रेशर रहता है।
स्कूल में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, इसलिए ये काम स्कूल में नहीं किया जाता है। अब बीएलओ के पास केवल एक ही ठिकाना बचता है और वो है प्रशासनिक संकुल। आपको कोई सीट वीट नहीं दी गई है बैठने के लिए? आपको कोई सीट खबर के लिए निकाल रहा हूँ तो आप बीएलओ, आप कलेक्टर का काम नहीं कर रहे हैं? फिर कलेक्टर का ही काम है तो फिर आपके अभी आपने देखा किस तरह चुनाव की जमीनी तैयारी करने वाले बीएलओ को जिला प्रशासन के जिला अधिकारियों की उपेक्षा के चलते जमीन भी ढंग से नहीं हो रही नसीब। तो इसी के साथ न्यूज 29 इंडिया बीएलओ की उपेक्षा पर जल्द दिखाएगा एक और रिपोर्ट। इसी के लिए खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सार प्रदेश।